वहीं उत्तर प्रदेश में AIMIM के साथ गठबंधन करने पर अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने कहा कि 2022 में गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन का नतीजा यह हुआ कि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली और वोटिंग प्रतिशत 34% से ऊपर रहा, जिसे पाकर अखिलेश जी ने मान लिया कि पूरा वोट उनका है। उन्होंने बाकी सभी सहयोगों को सिरे से खारिज कर दिया। हमने जनता की भावनाओं का सम्मान किया है और नया विकल्प दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमारा साथ देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत मजबूत नेता हैं, उनके पास बहुत अनुभव है और उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। वह पहले से ही हमारे साथ हैं और जहां तक उन्होंने सीटों की घोषणा की है, अगर वह चाहेंगे तो हम वहां प्रचार करेंगे। देखिए, 2022 में एक गठबंधन बना और उस गठबंधन का रिजल्ट ये रहा कि 47 से 111 सीटें समाजवादी पार्टी को गठबंधन मिली और 34% के ऊपर का वोट प्रतिशत मिला। और वो मिलने के बाद अखिलेश जी ने ये मान लिया कि वो पूरा वोट उनका है। उन्होंने सिरे से ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी सबको नकार दिया। तो ये वोट जो समाहित हुआ उनके पास 111 सीट्स के रूप में, वो इन सबकी मेहनत का रिजल्ट था। और धीमे धीमे सब अलग होते चले गए। अपना दल सबसे ज्यादा दूरी तक समाजवादी पार्टी के साथ चलने की मुहिम को लेकर के साथ चला था और अचानक से आप सभी ने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको भी पता चला कि हम गठबंधन में थे ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते? ऐसे में हमको रास्ता दिखा पीडीएम और हमने जनभावना को ध्यान में रखते हुए उसको अपनाया। तो क्या लग रहा है कि पीडीएम जो है, आप लोग भी जानते हैं, आपकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि 90% माइनॉरिटी वोट बैंक सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और अब आप खाली नाम बदल के आ रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक है उसको अपने में कैसे करेंगे और क्या जरूरत पड़ी इस एम को ऐड करने की? क्या वहां पे भी मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है? अखिलेश यादव भी दावेदारी कर रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन हो या कोई मामला हो उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी लोगों के लिए पहुंचती है। देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर आप देखें, सबसे ज्यादा जो सामाजिक समुदाय हैं जिनका शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, वो पिछड़े समाज की कुछ जातियां हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। और उनके नाम पर सरकार का जो रवैया है और जिस प्रकार से विपक्ष की जो मुख्य पार्टी है वो उनके सवालों पर पीछे हट जाती है या चुप्पी साध जाती है, तो ऐसे में वो समाज कहां जाए?